गुड मॉर्निंग क्लास। हम BSc 6 सेम का मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड अपॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल। ये किस पे है? इट इज बेस्ड अपॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। जब हम इन सब्सटेंस को लाइट के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं। मींस लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। और इसी को स्टडी किया था रिले ने। किसने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को किसने स्टडी किया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको स्टडी किया था रिले ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिले लाइट इज स्कैटर्ड लाइट इज स्कैटर्ड राइट एंगल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की है। बाद में सी वी रमन ने 1928 में देखा कि कोई भी सब्सटेंस को जब मोनोक्रोमेटिक लाइट में रखते हैं, तो लाइट 90 डिग्री एंगल से स्कैटर्ड हुई। बट हमें सिर्फ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वाली ही लाइट नहीं मिली, बल्कि कुछ लोअर और कुछ हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट भी मिली। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट और कुछ सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट मिली, और कुछ हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट मिली, ठीक है। अब जो लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, उसे उन्होंने नाम दिया स्टोक लाइन, ठीक। जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, क्योंकि इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला गया था, तो रिले ने दिया था, इसलिए इसको बोला गया रिले लाइन। और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट थी, उसको बोला गया एंटी स्टोक लाइन, क्लियर। अब यहाँ हम इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको V1, और स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम VS से, इंसिडेंट को VI से, और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम VS से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ तीन तरह की लाइंस मिली। एक जिसमें इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड लाइट के इक्वल थी, तो इस यहाँ पे जो लाइन मिली, इसको बोला गया रिले लाइन, ठीक है बेटा। एक तरफ हमें कुछ लाइंस मिली जो कि क्या थी, लोअर फ्रीक्वेंसी की थी। मतलब जो स्कैटर्ड लाइट थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। इस लाइन को बोला गया स्टोक लाइन। कुछ फ्रीक्वेंसी हमें ऐसी ऑप्टेन हुई जो कि हाई फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी जो थी, वो ज़्यादा थी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। इसको बोला गया एंटी स्टोक लाइन, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी,
अगर हम डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालें ये क्या हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को बोला गया रमन फ्रीक्वेंसी, रमन फ्रीक्वेंसी या फिर रमन शिफ्ट, रमन शिफ्ट। यहां जो लाइन ऑब्टेन होगी उसे हम बोलेंगे रमन स्पेक्ट्रा, क्योंकि रमन फ्रीक्वेंसी या रमन शिफ्ट क्या था, डिफरेंस था किसका किसका, इंसिडेंट और स्कैटर्ड लाइन का। तो यहाँ जो लाइन ऑब्टेन होगी वो होगी हमारी रमन स्पेक्ट्रा। यहाँ स्टोक और एंटी स्टोक को हम क्या बोल सकते हैं, रमन लाइंस। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिले लाइन एंड रमन लाइंस। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिले लाइंस एंड रमन लाइंस। जब हम कुछ एनर्जी का फोटॉन किसी मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करते हैं तो कोलेजन होता है, और ये जो कोलेजन होता है वो दो तरह का होता है, ये मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था। एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक में जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, इन इलास्टिक में या तो एनर्जी हाई हो जाती है या फिर लो हो जाती है। तो जो कोलेजन होता है, मैंने क्या बोला, कोलेजन दो तरह से हो सकता है, एक होता है आपका इलास्टिक और एक होता है आपका इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम हो रहती है, तो ये हमारी किसके अंदर आएगी, रिले लाइन के अंदर, रिले लाइन, ठीक है। बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। जब ये सेम है तो ई भी क्या होगी, सेम होगी, और ये किसके इक्वल होगी, एच इंटू म्यू के इक्वल होगी। अब अगर इन इलास्टिक की लाइट की बात करें तो एनर्जी आपकी क्या हो सकती है, हायर भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है। तो यहाँ हमें दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टोक लाइन, और अगर इंसिडेंट लेस देन स्कैटर्ड है तो इसको बोलेंगे एंटी स्टोक लाइन, ठीक है। यहाँ पर हम इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी बात कर रहे थे, अब अगर हम इन टर्म ऑफ स्पेक्ट्रा बात करें, ये तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर रहे थे, तो अगर हम स्पेक्ट्रा के टर्म में बात करें तो देखो, हमने मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट डाली थी, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट डाली थी, वो मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करेगी, एब्जॉर्व करने के बाद वो एक्साइटेड हो जाएगी और हायर स्टेट में जाएगी, और फिर उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगी तो कुछ एनर्जी एमिट करेगी। अगर सेम एनर्जी एमिट हुई तो लाइट कौन सी आएगी, रिले। बट अगर मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि सेम एनर्जी के साथ वापस नहीं आते, या तो हायर लो होंगे या फिर लोअर, तो यहाँ जो लाइंस हमारे पास ऑब्टेन होगी वो रमन लाइंस ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो अगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करके बताएं, जैसे हमने यहाँ पे लेबल्स बनाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक बना रहे, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। मान लो कहीं यहाँ से, ये ओरिजिनल लेवल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इस पे लाइट पड़ी तो ये एक्साइटेड होके ऊपर गया, कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में, ये ओरिजिनल स्टेट है थोड़े टाइम के लिए मान लो, और ये एक्साइटेड है, एक्साइटेड स्टेट है। सेम ऐसे ही लेवल यहाँ भी ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस एक्साइटेड लेवल से जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, 1 2 3 4, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है,
जहां से गया वहीं पे वापस आ गया, तो ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे रिले लाइन। ठीक है, अब मान लो ये ओरिजिनल एक्साइटेड स्टेट से ओरिजिनल स्टेट पे ना जा करके यहीं कहीं वापस आया, इधर इसी स्टेट यहाँ पे कहीं का इसी लेवल पे वापस आ गया, तो इसको बोलेंगे स्टोक। यहाँ पे ये हायर लेवल पे ही है। और अगर ये कहीं और नीचे आ गया, इस ओरिजिनल स्टेट से कहीं नीचे आ गया, ठीक है, तो ये लोअर लेवल हो, लोअर लेवल। ये क्या हो गया आपका? हायर लेवल। और ये सेम लेवल। अगर ये सेम लेवल पे आ रहा है तो रिले लाइन मिल रही है, अगर ये हायर लेवल पे ही आ रहा है तो इसको स्टोक बोलेंगे, अगर ये लोअर लेवल पे आ जा रहा है अपने ओरिजिनल से और नीचे आ जा रहा है तो इसको बोलेंगे एंटी स्टोक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड रमन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स एंड रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा इसे हम देखेंगे इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। हमने इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी बात कर ली, हमने इन टर्म ऑफ स्पेक्ट्रा बात कर ली, अब हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हम पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एल्फा इंटू ई। ई क्या है आपका? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एल्फा क्या था? पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट। मीन्स किसी भी सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है कि मैंने उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है और कितना उसकी पोलराइजेबिलिटी है। तो ये बात हो गई पोलराइजेबिलिटी। अब एक टर्म आता है आइसो ट्रॉपिकली पोलराइज्ड और एनआइसो ट्रॉपिकली पोलराइज्ड। आइसो ट्रॉपिकली पोलराइज्ड और दूसरा टॉपिक आता है एनआइसो, एनआइसो ट्रॉपिकली पोलराइज्ड, पोलराइज्ड। ठीक है, आइसोट्रॉपिकली पोलराइज्ड मीन्स सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डायरेक्शन में सेम हो और उनमें जो फील्ड अप्लाई की जाए वो भी क्या हो? सेम हो। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, CH4 और SF6। ठीक है, एनआइसो ट्रॉपिकली पोलराइज्ड ये कैसे होते हैं? ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल थे और इसमें जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। इनमें जो पोलराइजेबिलिटी थी इनमें जो पोलराइजेबिलिटी थी डायरेक्शन इज सेम एज अप्लाइड फील्ड। इसमें क्या है, पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अब इसमें डायरेक्शन चाहे आपका पैरलर हो या फिर चाहे प्रिपेंडिकुलर हो, पोलराइजेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी। इसमें अगर फील्ड पैरलर आ रही है तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रिपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम थ्योरी ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है,
स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो कुछ सिलेक्शन रूल भी होगा। सिलेक्शन रूल जैसे डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या प्लस माइनस 2 होगा। डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 है तो कौन सी लाइन मिलेगी, रे लाइन, रिले लाइन, रिले स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। अगर डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस 2 हुआ तो स्टोक, स्टोक लाइन, और अगर डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस 2 हुआ तो एंटी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन, ठीक है। जब हमने प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा निकाला था तो हमने बात की थी वी बार इज इक्वल टू बी जे इंटू में जे प्लस 1। अगर मैं चेंज की बात करूं तो एक लेवल को दूसरे लेवल से माइनस करना होगा, ठीक है बेटा। तो डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जैसे यही है इसी को डैश लगा के माइनस कर दो, तो वी जे डैश इंटू में जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू में जे प्लस 1, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें सिलेक्शन रूल लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल डेल जे इज इक्वल टू प्लस 2 है, ठीक है। अब इसमें लगाओ, देखो जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यहाँ से जे डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे प्लस 2, ठीक है। अगर डेल जे इज इक्वल टू माइनस 2 है तो जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू माइनस 2 है तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे डैश प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से जे डैश की वैल्यू, यहाँ से जे की वैल्यू निकल आएगी, क्लियर। पुट दिस इन, जैसे हमने पीछे किया था, पुट दिस इन इक्वेशन 1, इसकी जे डैश और जे की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसमें पुट करेंगे, एक बार हम जे डैश की वैल्यू पुट करेंगे और एक बार हम जे की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो डेल वी बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी, अब जे डैश की वैल्यू क्या आई है, जे प्लस 2, जे प्लस 2, फिर ब्रैकेट में क्या है, जे डैश की वैल्यू, जे इसको हम क्या लिखेंगे, जे प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। जे डैश की वैल्यू पुट कर दिया, माइनस बी जे इंटू में जे प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, अब जे प्लस 2 है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो जे प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा, जे प्लस 3 माइनस बी जे इंटू में जे प्लस 1, ठीक। अब बी को हम बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर माइनस 5 जे प्लस 6 माइनस जे स्क्वायर माइनस जे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से जे स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या बन जाएगा, बी ब्रैकेट में 4 जे प्लस 6। अब डेल वी बार, अब यहाँ पे जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, सेम ऐसे ही इस वाले में देखो डेल वी बार। अब यहाँ पे हम जे ये वैल्यू एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे हम जे की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी जे डैश इंटू में जे डैश प्लस 1 माइनस बी, ठीक है। जे की जगह क्या लिखेंगे, जे डैश प्लस 2, जे डैश प्लस 2 इंटू में जे डैश प्लस 3, ठीक है। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 ही आएगा, जैसे यहाँ पे 3 आया था, ठीक। अब क्या हो जाएगा, वी डेल वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाहर ले लो, जे डैश प्लस 1 माइनस जे डैश प्लस 2 फिर जे डैश प्लस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाहर, जे डैश स्क्वायर प्लस जे डैश माइनस जे डैश स्क्वायर माइनस 5 जे डैश माइनस 6, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल वी बार इज इक्वल टू बी, अंदर ये जे जे से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, तो ये बनेगा हमारा 4 जे डैश प्लस 6। अब यहाँ पे जे डैश इज इक्वल टू 0 1 2
थ्री हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टर्म को हमने, इस टर्म, इन दोनों टर्म को हम क्या कर दें, क्लब अप कर ले। जब हम इन दोनों को क्लब अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बार आई बी इंटू में 4j+6। ठीक है, यहाँ पे ये जो आया है इसको बोलेंगे रिले, रिले स्कैटरिंग लाइन, और +1 फॉर एंटी स्टोक, एंटी स्टोक, और -1 फॉर स्टोक। ठीक है, मीन्स जे इज इक्वल टू 0 और वी बार इज इक्वल टू वी इंसिडेंट लाइट +6b। तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो हमारी फर्स्ट स्ट्रोक लाइन एंड फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन आई। तो मेरे पास दो तरह की लाइन है। यहाँ से अगर मैं इस तरह से जब मैं लाइन को निकालूंगी तो आप देखेंगे दो एडजस्टेड स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक लाइंस, एंटी स्ट्रोक लाइंस का जो डिफरेंसेस है वो किसके इक्वल है, 4b। तो हमेशा मेरे पास लाइन ऑप्टेन होगी वो क्या होगी, वो 4b के डिफरेंस पे आएगी। क्लियर बेटा? और सेंटर पे जो रिले वाली लाइन है वो 6b के डिफरेंस पे आएगी। तो अगर मैं इनकी इंटेंसिटी ड्रॉ करूं तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, जो स्टोक और एंटी स्टोक है उनमें जो दो लाइन के बीच का डिफरेंस होगा वो 4b का होगा, जबकि रिले लाइन में दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो 6b का होगा। तो अगर इनकी इंटेंसिटी मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये लाइंस कुछ इस तरह से ऑब्टेन हो रही थी, ये आपकी रिले लाइन हो गई और ये आपकी इधर हमने एंटी स्ट्रोक माना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4b का। सेम यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 4b का, ये भी 4b, 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 4b। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब स्ट्रोक से रिले या रिले से एंटी स्ट्रोक के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 6b का आ रहा है। ये आपका डेल जे इज इक्वल टू -2 के लिए हो गया, ये आपका डेल, ये आपका डेल जे इज इक्वल टू +2 के लिए हो गया और ये आपका डेल जे इज इक्वल टू 0 के लिए हो गया। ठीक है, ये स्टोक, ये आपका रिले और ये आपका क्या हो गया, एंटी स्टोक। ठीक, ये तो हो गई इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। हम किसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा। देखो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें सेपरेशन पता लगता है। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा से हमें क्या पता चलता है, सेपरेशन, मींस 4b है या 6b है, इससे हमें b की वैल्यू पता लगती है, b की वैल्यू क्या है। ठीक है बेटा, सेपरेशन पता चल गया। अब b इज इक्वल टू हमने पीछे बताया था ये किसके इक्वल होता है, h² / 8π² ic के, और i क्या होता है हमारा, μ/r² होता है, r₀² होता है, और म्यू हमारा किसके इक्वल होता है, m₁ m₂/m₁+m₂। ठीक है, मतलब हम यहाँ से सेपरेशन से इससे हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, b से हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं, i से हम बॉन्ड लेंथ r₀² निकाल सकते हैं और रिड्यूस मास भी हम निकाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन हुआ किसका, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। यहाँ पे हमने एक
इस ऐसे लाइट, मतलब लाइट को हमने इस शेप से पास कराई है। इसका शेप ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, टू प्रिवेंट रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है। यहाँ पे हमने मर्करी वेपर लैम्प लिया है, मर्करी वेपर लैम्प, ठीक है। यहाँ पे स्लिट लगाई है जो लाइट को अलाइन करती है, मतलब उसी वेवलेंथ की लाइट को अंदर जाने देती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये लेंस होता है, ये प्रिज्म होता है, और यहाँ पे हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है। यहाँ से हम लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देखो, जब मर्करी वेपर लैम्प एज अ सोर्स ऑफ लाइट जो हमने लिया है, ये लाइट जब इसके ऊपर फॉल करेगी, अगर हम फॉल करेगी तो ये इसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्टेड लाइट को और पास करता है स्लिट में, स्लिट लेंस में, लेंस प्रिज्म में, और प्रिज्म से जो लाइट होती है वो फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व होती है, और यहाँ से हम लाइट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करें इसका, तो रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और उसके लिए जो सिलेक्शन रूल होगा वो क्या हो जाएगा, डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। हम मान के चलते हैं जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है, डेल वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, पर ये कुछ तो रोटेशन शो करेगा, तो यहाँ पे डेल जे इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 प्लस माइनस 2। तो मुझे दो वाइब्रेशनल लेवल लेने हैं। जैसे मैंने आपको पी क्यू आर ब्रांचेस बताई थी, अब मैं जो लाइन लूँगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ क्यू एस, ठीक है। हम कौन कौन सा लाइन लेंगे, ओ क्यू और एस। देखो, क्यू क्यू उसमें भी था जब हम पी क्यू आर कर रहे थे, तो उसमें भी क्यू था, और क्यू को हमने रिले लाइन माना था, ठीक है। तो और इसमें भी क्यू है, तो क्यू रिप्रेजेंट सेम, क्योंकि उसमें भी क्यू जीरो था और इसमें भी क्यू क्या है, जीरो है। तो सेम वे से आप लाइन लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। रोटेशनल है तो धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो आप इस तरह कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मैं एक फ्रंट पेज पे, प्लेन पेज पे दिखाती हूँ, मतलब इंक्रीमेंट इसमें धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ये जीरो लेवल हो गया, वन थोड़ा और ज़्यादा, टू थोड़ा और ज़्यादा, थ्री थोड़ा और ज़्यादा, फोर थोड़ा और ज़्यादा, फाइव थोड़ा और ज़्यादा, सिक्स। दूसरा वाला लेवल, दूसरा, ये तो एक एक वाइब्रेशनल लेवल हो गया। दूसरा वाइब्रेशनल लेवल देखो, जीरो थोड़ा और ज़्यादा, वन थोड़ा और ज़्यादा, टू थोड़ा और ज़्यादा, थ्री थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तो फोर, थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तो फाइव, थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तो सिक्स, ठीक है। तो ये जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 देन सिक्स। ये जीरो, जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने पिछला स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था। ये जो वाइब्रेशन लेवल है ये वाला, ये है आपका वी इज इक्वल टू 0, और ये वाला जो वाइब्रेशनल लेवल है ये वी इज इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। अब हमें तीन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। पहले हम क्यू ड्रॉ करेंगे, तो क्यू में क्या है, डेल जे इज इक्वल टू क्या है, 0, मतलब जो ट्रांजिशन होगा 0 to 0 होगा। तो यहाँ से जे से 0 में ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ 1 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ 2 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ 3 से 3 में ट्रांजिशन हो रहा है। इसको आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ 4 से 4 में ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ 5 से 5 में ट्रांजिशन हो रहा है, और यहाँ पे 6 से 6 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जे इज इक्वल टू 0 है, 0 to 0, 1 to 1, 2 to 2, ऐसे ट्रांजिशन होगा। अब अगर मैं जे इज इक्वल टू -2 ले रही हूँ, तो दो लेवल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे मैंने जे इज इक्वल टू +1 लिया था, तो एक लेवल का डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे मैंने जे इज इक्वल टू -2 लिया है, तो टू लेवल का डिफरेंस आ रहा है। तो अब मैं जो ड्रॉ करूँगी वो कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करूँगी, तो यहाँ जो ट्रांजिशन होगा, क्योंकि -2 है, तो 0 से 2 में ट्रांजिशन होगा,
इसका जीरो और इसका टू, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वन से मैंने जो ट्रांजिशन किया वो कहाँ से किया, जीरो से टू में किया। अब वन से थ्री में जाएगा, दो दो का डिफरेंस आएगा, ठीक है। मैंने जो पहला जो ट्रांजिशन कराया वो कहाँ से कराया, मैंने जीरो से टू में कराया, ऐसे थ्री से फाइव में जाएगा, ऊपर फोर से सिक्स में जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये फोर लेवल है और ये आ रहा है इसके सिक्स लेवल में, दो का गैप आया, ये थ्री लेवल है तो ये आएगा फाइव लेवल में इसके यहाँ पे आया, ठीक है। और ये आपका टू लेवल है तो इसके थ्री लेवल तक आएगा, ये आपका वन लेवल है तो इसके कहाँ तक आएगा, ये वन कहाँ तक किया है, वन से थ्री में जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये आपका हो गया कौन सा लेवल, ये आपका हो गया ओ, ओ ब्रांच, इसको बोलेंगे ओ ब्रांच, इसको बोलेंगे क्यू ब्रांच, और इसको अभी अच्छा आपका एस ब्रांच बचा है। देखो इसमें जे इज इक्वल टू क्या है, प्लस टू है, ठीक है। इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो जीरो से लेके किस में होगा, टू में होगा। पहला जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से होगा, जीरो से टू में। दूसरा वन से जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ तक होगा, थ्री में, वन टू थ्री। तीसरा जो टू से ट्रांजिशन होगा, टू से जो ट्रांजिशन होगा वो फोर में होगा, ठीक। थ्री से जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ तक होगा, फाइव में होगा। और फोर से जो ट्रांजिशन होगा वो किस में होगा, सिक्स में होगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया कौन सा, एस ब्रांच। अगर इस वाले में देखा जाए तो फाइव और सिक्स दो लाइन बची है, ठीक है। तो इसमें जीरो में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है और वन में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। इसको रिले लाइन बोलेंगे, इसको स्टोक बोलेंगे और इसको एंटी स्टोक। इसको बोलेंगे स्टोक और इसको बोलेंगे एंटी स्टोक। जैसे मैंने पिछला वाला ड्रॉ किया था वैसे ही ये ड्रॉ होगा। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया रमन स्पेक्ट्रा फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें हमने तीन ब्रांचेस शो किए। कौन कौन से ब्रांच, ओ ब्रांच, क्यू ब्रांच और एस ब्रांच। ओ ब्रांच आपका स्टोक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू ब्रांच आपका रिले लाइन और एस ब्रांच आपका एंटी स्टोक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू।